एक इंटरेस्टिंग टॉपिक किया था जिसको हमने कहा था कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस कहा था, और आज हम उसका आखिरी पार्ट थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। सो आइडिया ये था कि जब आप फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स, बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को बीच में लाते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट्स यानी कि वो हार्डवेयर जो फ्लोटिंग पॉइंट ऐड कर सके, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सके, डिवाइड कर सके, तो ये वाले जो यूनिट्स हैं इनकी लेटेंसी एक साइकिल की नहीं होती बल्कि वेरी करती है। हो सकता है कोई 4 साइकिल का हो सकता है कोई 2 साइकिल का हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा साइकिल का हो, ठीक है, और इसके अंदर भी वेरी करता है कि हो सकता है वो फुली पाइपलाइन हो या पार्शली पाइपलाइन हो। जिस तरह हो सकता है डिवाइडर जो है वो फुली पाइपलाइन हो ही ना, वो पार्शली पाइपलाइन हो, तो उससे जो कॉम्प्लेक्सिटीज राइज होती है उसको क्या करें। तो उसकी स्कीम वन जो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन, इन ऑर्डर पाइपलाइन। तो मसला, सबसे पहले मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि लेट्स से कि मैंने ये मेरा डिफरेंट वेड्स हैं, तो मैंने अगर ए इस टाइम पे मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन दी और लेट्स से ये मेरी ऐड की थी, ठीक है, सो ऐड की इंस्ट्रक्शन मैंने इस साइकिल पे दी, तो ये दोनों ऐट द सेम टाइम इस जगह पर कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है, अज्यूमिंग कि ये टाइम चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन आई 2 साइकिल बाद ऐड की आ गई, तो अब इस जगह पर जब दोनों इकट्ठी कंप्लीट होंगी तो रजिस्टर फाइल की अगर एक ही पोर्ट है तो दोनों को तो नहीं लिखवा सकते, ठीक है, तो ये मसला पैदा होगा, तो इसको क्या करें, ठीक है। इसको हल करने के लिए कहा कि हमने कहा कि भाई जो सबसे लंबी इंस्ट्रक्शन है ना उसके बराबर सबकी डेप्थ कर दो, ठीक है, सो अगर यहाँ पर ऐड 2 साइकिल का भी है तो उसको भी 6 साइकिल कर दो, मल्टीप्लाई 4 साइकिल का है तो उसको भी 6 साइकिल कर दो, जस्ट सारों की डेप्थ बराबर कर दो, तो वो हम हमेशा कर सकते हैं। हमने कहा था कि रजिस्टर जो है वो 1 साइकिल का डिले डालता है, तो हम एक्स्ट्रा रजिस्टर्स बीच में डाल दें तो चीज़ें डिले हो जाएंगी, और जितनी डिले करना है उतने उतने रजिस्टर डाल दें। तो ये पहला सोल्यूशन था हमारा, इससे ये वाला मसला हमारा हल हो गया। हमने कहा कि अगर कोई बहुत ही बड़ा यूनिट हुआ, जिस तरह डिवाइडर अगर बहुत ज़्यादा साइकिल लेता है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि या अनपाइपलाइन डिवाइडर, तो अनपाइपलाइन वाले के केस में हम स्टॉल की लॉजिक बना लेंगे, अगर अनपाइपलाइन चल रहा है तो हम उसे स्टॉल कर लिया करें अगर कोई हैजर्ड क्रिएट होने का चांस। ये पहली स्कीम थी। दूसरी स्कीम हमने कहा कि बजाय इन ऑर्डर इसको चलाने के, सॉरी इनकी सारों की डेप्थ बराबर करने के, ये तो बहुत ही सीधा तरीका होगा, वाई नॉट हम कोई ऐसा तरीका आप बनाए कि हम किसी तरह पहले से फिगर आउट कर लें कि क्या जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में इशू करने लगा हूँ वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करती, तो अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो नहीं इशू करूँगा, अगर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती तो इशू कर देता हूँ। तो उसमें हमने कहा कि मतलब बेशक वो 2 साइकिल में कंप्लीट होता है, 2 में हो जाए, 4 में होता है, 4 में होता है, वी डोंट केयर, हमें ऑल वी नीड टू मेक श्योर है इसके कोई मसला ना है। तो उसके लिए हमने देखे कि हमारे पास रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट, ये 3 किस्म के मसले आते थे, और इसके अलावा हमारे पास जो था ना रजिस्टर फाइल का पोर्ट्स का एक मसला मैक्सिमम आ सकता था कि वो राइट पोर्ट का, कि राइट पोर्ट पे 2 दफ़ा तो नहीं लिखना पड़ा, और एक कह लेंगे फंक्शनल यूनिट बिजी तो नहीं है अगर पार्शली पाइपलाइन है। ये 4-5 इशू थे। इनको सॉल्व करने की जो टेक्निक हमने बनाई उसको हमने कहा स्कोर बोर्ड, ठीक है। तो जिस तरह हमने पाइपलाइनिंग में देखा था कि इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमने देखा है कि भाई हमारे पास डेस्टिनेशन की फील्ड होती है, उस डेस्टिनेशन की फील्ड को हम सोर्स से कंपेयर कर लें तो हम चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हैं। तो डिटेल के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन हमने बेसिकली यही किया था कि फंक्शनल यूनिट बिजी का एक बना दिया था बिट वेक्टर, और उसके अलावा रजिस का एक बिट वेक्टर बना दिया था कि कौन कौन सा रजिस्टर पर लिखवाया जा रहा है, तो अब हम सोर्स और डेस्टिनेशन की फील्ड उससे मैच कर लेंगे, जिसके लिए मैंने कहा था कि इसके आगे मार्क्स लगा सकते हैं तो वो काम बन। तो यानी दूसरी टेक्निक का नाम था स्कोर बोर्ड, पहली का था कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर पाइपलाइन। तीसरा हमने कहा कि अच्छा इसके अंदर हम जो थे ना इंस्ट्रक्शंस को इशू इन ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है, सो इशू इन ऑर्डर थी लेकिन कंप्लीशन जो थी वो आउट ऑफ ऑर्डर हो सकती थी, वो हमने अलाउ कर दी थी क्योंकि आप कोई छोटा है कोई बड़ा है तो ये काम हो सकता है। इसके बाद हमने कहा कि वाई नॉट आउट ऑफ ऑर्डर कंप्लीशन करें, ठीक है, सो हमने कहा कि आउट ऑफ ऑर्डर
कंप्लीशन हम अलाउ करना चाहते हैं, और लेकिन हमने इसके साथ थोड़ा सा उसको फर्दर एक दो एग्जांपल्स को देखा तो हमें नज़र आया कि एक और मसला ये आता है कि हमारे क्योंकि रजिस्टर कई दफ़ा कम होते हैं तो रजिस्टर सेम रजिस्टर को रीयूज़ करने से प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसके साथ ही दूसरी चीज़ देखी कि हम अगर रजिस्टर्स को भी रीनेम कर लें तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो हमने स्कीम पढ़ी उसको हमने टॉमस उलोस एल्गोरिदम या आर्किटेक्चर कह सकते हैं। ठीक है, तो वो पढ़ा जिसपे हम ऑन द फ्लाई एक हमने नया स्ट्रक्चर बनाया जिसे हमने कहा था रीड ऑर्डर बफर, और उसके अंदर हम उधर से इशू करते जाते हैं और उसके अंदर हम बेसिकली रजिस्टर नंबर को एक तरह से मैप कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन नंबर पे, और उसकी वजह से हमारा ये जो रीड राइट आफ्टर रीड और राइट आफ्टर राइट वाले इशू आना ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारा था कि टॉमस उलोस। इसके बाद आखिरी चीज़ हमने ये देखी कि अगर ये सारी चीज़ें हम कर लें जो टॉमस उलोस वाला आर्किटेक्चर हम बना दें तो इसकी वजह से आउट ऑफ ऑर्डर क्योंकि एग्जीक्यूशन होना शुरू हो जाती है तो हमें इंटरप्ट्स और जो आपकी कंडीशनल ब्रांचेस हैं उनमें कुछ मसले आते हैं। ठीक है, कि ब्रांचेस को क्या करेंगे और इंटरप्ट्स को क्या करेंगे, तो उसके लिए हमने उस स्कीम को ऊपर वाली स्कीम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हमने कहा कि यार हम कमिट जो है इन ऑर्डर कर लेंगे, एग्जीक्यूट बेशक हम आउट ऑफ ऑर्डर करते थे। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर ट्रिपल ओ में लिखते तो ठीक है, तो हम आउट ऑफ ऑर्डर करते जाएं तो इधर हमने जगह बना दी कि इधर ही रिजल्ट लिखवाते रहेंगे लेकिन उनको कमिट करते हुए हमें हम बिल्कुल तरतीब से करेंगे जब तक कोई इंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं होगी हम आगे नहीं करेंगे। तो ये एक समरी है जो कि अभी तक हमने किया था और नेट रिजल्ट हमारा कुछ इस किस्म का बना था। साथ ब्रांच को हैंडल करने के लिए हमने कह दिया था कि हमें बीच में शायद रोल बैक के लिए मल्टीपल पॉइंटर्स चाहिए होंगे। डिटेल के लिए आप दोबारा उसको देख सकते हैं स्लाइड्स को। आज जो हम करेंगे वो है मॉडर्न आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर्स। तो काम हमने यही करना है जो हमने कर लिया था यानी कि रजिस्टर रीनेमिंग में आखिरी, लेकिन कुछ नए आर्किटेक्चर्स में लोगों ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया कि तो वो कैसे किया वो हम देखते हैं। सो मॉडर्न जो आपके डेस्कटॉप आर्किटेक्चर ज़्यादातर हैं उनमें हम क्या करते हैं कि हम बजाय इसके कि टॉमस एग्जैक्ट टॉमस उलोस स्टाइल की रजिस्टर रीनेमिंग करने के, वो कहते हैं कि यार आप इन दोनों चीज़ों को अलहदा कर लें कि एक आपकी की कह लें कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में रजिस्टर फाइल है जिसमें हो सकता है कि आपके कम रजिस्टर्स हों। ठीक है, और एक आप एक्चुअल फिजिकल रजिस्टर्स बना लें वो आप बेशक ज़्यादा रख लें। तो ये जो है इसको हम कहते हैं यूनिफाइड फिजिकल रजिस्टर फाइल। ठीक है, ये यूनिफाइड फिजिकल रजिस्टर फाइल। तो वो कहते हैं कि जी आप लेट से कि आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट में आपने 7-8 रजिस्टर सेट रखे हुए थे तो आप जो फिज़िकल रजिस्टर फाइल है उसमें बेशक आप 32-34 रजिस्टर रख लें, 60 रजिस्टर रख लें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, तो करें ये कि जो भी आपके आर्किटेक्चरल रजिस्टर्स हैं जो इंस्ट्रक्शन सेट से आ रहे हैं, ठीक है, तो जब भी आपकी कोई इंस्ट्रक्शन फेच होगी और आगे डिकोड होने लगी है तो आप उस आर्किटेक्चरल रजिस्टर को उठाकर फिज़िकल रजिस्टर के ऊपर मैप कर देंगे ड्यूरिंग डिकोड। ठीक है, तो जब डिकोड चल रही है तो आपने सिर्फ मैपिंग डिफाइन कर दी कि फॉर एग्जांपल मैपिंग से क्या मुराद है, आपके आर्किटेक्चरल रजिस्टर जो थे वो लेट से 8 थे X0 से लेकर X8 तक। ठीक है, और फिज़िकल रजिस्टर जो थे वो 32 थे लेट से P0 से लेकर P31 तक। तो आपने मैपिंग डिफाइन कर दी, जब पहली इंस्ट्रक्शन आई वो X0 पर लिखवा रही थी तो आपने कहा जी X0 जो है ना ये P0 पर मैप होगा। फिर अगली इंस्ट्रक्शन किसी और जगह लिखवा रही थी आपने कहा कि जी X2 पे लिखवा रही थी, आपने तो कहा अच्छा ये P1 पे मैप हो गया एंड सो ऑन। ठीक, तो ये डिकोड काम कर रहा होगा। ठीक, जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो उस फिजिकल रजिस्टर फाइल से करेंगे रीड और राइट। ठीक है, तो आपने ये मैपिंग डिफाइन कर दी तो जो आपने लोड करना था स्टोर करना था तो वो एक्चुअल में उसी एक ही फिजिकल रजिस्टर फाइल है, बाकी सिर्फ मैपिंग है। यानी आर्किटेक्चरल रजिस्टर्स जो हैं जो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट में जो यूज़ हो रहे हैं वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा मैप होकर फिजिकल रजिस्टर्स बन जाते हैं और उन फिजिकल रजिस्टर्स पे असल में हम रीड राइट करते हैं जब भी हमने कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो ये जो आपकी फंक्शनल यूनिट्स हैं वो सिंगल यूनिफाइड रजिस्टर फाइल
जो कि फिज़िकल रजिस्टर फाइल जो दरमियान में बनी है, इससे ही रीड करते हैं, इसी पे राइट करते हैं, इसी पे चीज़ें कमेंट होती हैं। कमिट जो है वो भी क्या करता है, कमिट सिर्फ अपडेट कर देता है मैपिंग को कि आर्किटेक्चरल रजिस्टर को फिजिकल रजिस्टर, किस आर्किटेक्चरल रजिस्टर को किस फिजिकल रजिस्टर पे मैप होना है या किसकी मैपिंग ख़त्म हो गई है। तो कमिट बेसिकली मैपिंग को असाइन करने और ख़त्म करने के लिए काफ़ी यूज होता है, ठीक है, बेसिकली बल्कि डिकोड में असाइन और कह रहे हैं कि कमिट में वो असाइनमेंट ख़त्म हो रही होती है। ओके, सो अब जो नया आर्किटेक्चर बना वो कुछ इस किस्म का बना कि ये हमारी वही पी सी है, इंस्ट्रक्शन फैच हुई, डिकोड और रीनेम किया, री ऑर्डर बफर में डाला और इन ऑर्डर कमिटी किया हमने, और इसके अंदर हमारे पास अब सिर्फ फ़र्क ये आ गया कि यहाँ पर ये वाली फिजिकल रजिस्टर फाइल बीच में ऐड हो गई है। डिकोड और रीनेम जो है वो सिर्फ मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फलां रजिस्टर इसके ऊपर मैप, ठीक है। सो लेट्स से कि ब्रांच को हैंडल करना है तो ब्रांच आपको पता इधर प्रेडिक्ट हुई थी और इस स्टेज पर आकर आपको पता चला, तो आपको जब पता चला अगर वो गलत थी प्रेडिक्शन, अगर सही थी तो कुछ भी नहीं करेंगे, अगर गलत थी तो हम किल कर देंगे जो जो सी आउट ऑफ ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट कर दी होंगी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, तो उन सब को उठाकर हम किल कर देंगे और बाकी तो वही आर्किटेक्चर है सिर्फ यहाँ पर फिजिकल रजिस्टर। अब ज़रा इसको ज़रा सही तरह समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब क्या है फिजिकल रजिस्टर पर मैप करने का। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सैम्पल कोड है असेंबली में, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, मतलब कोई भी रैंडम काम कर रहे हैं, लेकिन आप इधर देख रहे होंगे कि रजिस्टर डी यूज़ हो रहे हैं, X3 पे कभी लिखवा रहे हैं, कभी XX पे लिखवा रहे हैं, हमने देखा था कि रजिस्टर यूज़ हो रहे हो तो उसकी वजह से हमारे राइट आफ्टर राइट हैज़र्ड आते हैं और हमें चीज़ स्लो करनी पड़ती है, इसीलिए हमने टॉमस सुलो आर्किटेक्चर पढ़ा था जिसमें हम उसको इंस्ट्रक्शन नंबर पे मैप करें। तो यूनिफाइड फिजिकल रजिस्टर फाइल में हम उसके साथ क्या करेंगे, हम बेसिकली देखेंगे कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन राइट हो रही है, ठीक है, जिस तरह ये X1 पर राइट करवा रही है, तो हम X1 को किसी फिजिकल रजिस्टर पर मैप कर देंगे, लेट्स से P1 पे, ठीक है, फिर X3 लिखवा रहा है तो इसको P2 पे मैप कर देंगे, X6 लिखवा रहा है इसको P3 पे कर देंगे, दोबारा X3 लिखवा रहा है इसको किसी और फिजिकल रजिस्टर पे मैप कर देंगे, ठीक है। तो ये इसकी मैपिंग इस तरह से हो जाएगी कि यानी X1 मैप हो गया P1 पे, X3 पे जब हमने लिखवाया तो वो P2 पे मैप हो गया, तो अब ये X3 पे जो कुछ भी लिखा जाना था वो असल में P2 पर लिखा जाएगा, ठीक है। ये इस मैपिंग के बाद X1 को P1 पे मैप किया था, इसके बाद जहाँ जहाँ पर X1 आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम P1 रीड करना शुरू कर देंगे क्योंकि ये मैपिंग हो गई, ठीक है। तो अगली इंस्ट्रक्शन में X1 पे हम रीड कर रहे थे तो हमने उसके बजाय P1 से रीड कर लिया, X3 को हमने P2 पे मैप कर दिया, अब अगली किसी इंस्ट्रक्शन में अगर हम X3 से रीड करें जिस तरह इधर कर रहे हैं तो इसको हम P2 से उठा रहे हैं, ठीक है। इधर वाइज ही इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम X7 और X9 हमने पीछे इससे कहीं उसकी मैपिंग गुजरी होगी तो वो जो भी मैपिंग थी वो यहाँ पर हम उठा लेंगे उससे, क्योंकि हमने वो दिखाई नहीं हुई तो हमने इधर रैंडमली बता दिए कोई XYZ नंबर है, लेकिन बेसिकली हम जिस पर लिखवा रहे हैं हम उसको मैप करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने P2 पे मैप कर दिया X3 को, अगली इंस्ट्रक्शन X6 पे लिखवा रही थी इसको हमने P3 पे, तो फिजिकल रजिस्टर फाइल में P1 P2 P3 जो भी हमारे पास रजिस्टर्स थे उनको हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आई कि जब हमने इस इंस्ट्रक्शन पे दोबारा X3 यूज़ किया तो हमने इसको P2 पर मैप नहीं किया बल्कि नए रजिस्टर पर मैप कर दिया। तो असल में यही प्रॉब्लम राइट आफ्टर राइट में आता था ना कि सेम रजिस्टर बार बार यूज़ हो रहा है, तो अब हमने उस रजिस्टर को अपडेट कर दिया, जो रीड कर रहा था वो पुरानी वैल्यू क्योंकि रीड कर रहा था वो P2 पर ही मैप्ड है, लेकिन जो राइट यहाँ पर हम कर रहे हैं हमने कहा कि अच्छा अब ये एक नए रजिस्टर पर मैप हो गए। इस इंस्ट्रक्शन ऑनवर्ड अब जब भी X3 आ रहा होगा हम उसको P4 समझेंगे, ठीक है। सो जिस तरह इससे अगली इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर X3 आ रहा है ऐड में, तो इसको हमने P2 के बजाय P4 समझा क्योंकि यहाँ तक जब था जब हम लिखवा रहे थे तो हमने उसको P2 पर मैप किया था, यहाँ पर आकर हमने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेम रजिस्टर X3 यूज़ करने की वजह यह थी कि हमारे पास रजिस्टर कम थे तो हमने हार्डवेयर में ये सपोर्ट डाल दी कि अच्छा आप इंस्ट्रक्शन सेट में कम ही रजिस्टर यूज़ करें, आप असल में उनको ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, असल में किसी और पर मैप कर दें तो आपकी राइट आफ्टर राइट वाले मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बेसिक काम हम करने जा रहे हैं कि फिर यूनिफाइड फिजिकल रजिस्टर फाइल में, यहाँ पर जिस तरह X6 P3 पे था, अगली दफ़ा X6 पे हमने लिखवाया तो उसको हमने P5 में पे मैप कर दिया। अब इस इंस्ट्रक्शन से ऑनवर्ड अगर X6 कहीं पे यूज़ हो रहा है तो वो P5 बन गया, दोबारा हम X6 पे लिखवा रहे हैं तो इसको हमने P6 पे मैप कर दिया।
तो आप देख रहे हैं कि जोन जोन सी इंस्ट्रक्शन भी किसी रजिस्टर पर लिखवा रही है उसको हम नया नंबर देते जा रहे हैं। पहले को वन दे दिया, दूसरे को टू दे दिया, उससे अगले को थ्री दे दिया, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स। इस जगह पर हमने नया नहीं दिया क्योंकि स्टोर वर्ड जो है वो किसी रजिस्टर पर लिखवा ही नहीं रहा था, वो तो रजिस्टर से रीड कर रहा था और मेमोरी पर लिखवा रहा था। इसलिए इस वाली इंस्ट्रक्शन में हमने कोई मैपिंग नहीं की, सिर्फ हमने इस रजिस्टर से वैल्यू रीड की और लिखवा दी। उससे अगली में दोबारा एक्स एक्स पर लिखवा रहे थे, उसको पी सेवन पर लिखवा दिया। तो जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर पर लिखवा रही है उसको हम नया रजिस्टर एलोकेट कर देते हैं। नया रजिस्टर एलोकेट करने की वजह से वो जो हमारे हैजर्ड थे राइट आफ्टर राइट और राइट आफ्टर रीड वो नहीं आते। रीड आफ्टर राइट वाला जेन्युइन हैजर्ड है, वो तो अगर कोई चीज़ रेडी नहीं है तो फिर उसका इंतजार ही करना। तो ये है जो बेसिकली आप करें। अच्छा, अब ये अगर हम इसी तरह साइन करते जाएंगे तो थोड़ी देर में तो जितने भी फिजिकल रजिस्टर हुए वो ख़त्म हो जाएंगे। हर राइड पे तो हम नया नया रजिस्टर ऐड करते जा रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब है कि हमें किसी तरह इसको सर्कुलर रखने की ज़रूरत है, हमें थोड़ी देर बाद फिर इस रजिस्टर को फ्री भी करने की ज़रूरत है। कब इसको फ्री करने की ज़रूरत है, ठीक है, ये इसको हम फ्री तब कर सकते हैं। इधर हमने x1 को मैप किया था p1 पे, इससे आगे वाली इंस्ट्रक्शंस p1 को पढ़ रही थी, लेकिन जब हमारी इससे आगे दोबारा x1 तो चलो यूज़ नहीं हुआ, इधर से मैं लट से x3 की, इसको x3 को मैंने p2 पर मैप किया था, इससे आगे वाली इंस्ट्रक्शन इसको यूज़ कर रही थी, ठीक है, ये p2 आ गया। जब ये वाली हमने नया इस पर लिखवा दिया p4, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप पुरानी इसके आगे वाली कोई इंस्ट्रक्शन P2 को यूज़ नहीं कर रही होगी क्योंकि X3 तो अपडेट हो गया था। तो जब ये वाली इंस्ट्रक्शन कमिट हो जाएगी, ठीक है, जब ये कमिट होगी तो इसका मतलब है कि इससे पिछली वाली जो लास्ट मैपिंग थी जो हमने X3 को, अभी तो X3 को P4 पे किया, P4 आगे तो यूज़ हो रहा होगा इसलिए कमिट पे, इस नई मैपिंग का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो इससे पिछली मैपिंग थी जो X3 को P2 पे किया हुआ था मैप, वो कैंसिल की जा सकती है बिकॉज इससे ऑनवर्ड हमें पता है कि ये कमिट होगी इंस्ट्रक्शन, इससे आगे वाली कोई इंस्ट्रक्शन P2 को यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज P2 तो X3 की पुरानी वैल्यू थी और X3 की नई वैल्यू तो हमने कोई और कर दी है, तो इससे आगे वाली सारी इसको यूज़ करें। तो ये फिजिकल रजिस्टर फाइल में कब आप एक रजिस्टर को रीयूज़ कर सकते हैं, जब नेक्स्ट राइट ऑफ सेम आर्किटेक्चरल रजिस्टर कमिट्स। नेक्स्ट राइट का मतलब है कि अगर ये करंट राइट था तो इससे नेक्स्ट राइट ये है, तो ये जब कमिट करेगा तो ये वाली मैपिंग ख़त्म की जा सकती है जो कि हमने X3 को P2 पर मैप किया था, बिकॉज इधर कमिट होने का मतलब है हमने इंश्योर कर लिया कि पीछे वाली सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो चुकी है। तो जो जो भी इसको यूज़ कर रहा था X3 को, वो अब ख़त्म हो गया। अब जिसने भी आगे यूज़ करना था उसने X3 की नई वैल्यू को यूज़ करना था, और वो नई वैल्यू P2 में नहीं पड़ी हुई, वो P4 में पड़ी हुई। ओके, सो इसकी थोड़ी सी वर्क एग्जांपल कर लेते हैं, जिस तरह हमने टॉमस उलो की भी की थी कि ये हमारी लट से इंस्ट्रक्शन है। तो एक हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर होगा रीनेम टेबल का, जिसमें हम मैपिंग डिफाइन करेंगे कि x1 किस फिजिकल रजिस्टर पर मैप हो रहा है, x0 किस फिजिकल रजिस्टर पर मैप हो रहा है, इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। और फिर हमारे ये फिजिकल रजिस्टर हैं जिनमें हमने एक्चुअल रजिस्टर और साथ एक प्रेजेंट की बिट रखी हुई है कि इसमें वैल्यू पड़ी भी हुई है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा हमने एक फ्री लिस्ट रखी हुई है जो कि ये बताती है कि इस वक्त कौन कौन से रजिस्टर्स फ्री हैं, फिजिकल रजिस्टर्स फ्री हैं, उनका नंबर पड़ा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेट से कि जा इससे पीछे जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें ये मैपिंग ऑलरेडी हुई थी कि x1 p8 पे मैप था, x3 p7 पे था, x6 p5 पे था, x7 p6 पे था। तो इसका मतलब है कि 5 6 7 8 जो है वो तो फ्री नहीं है, ठीक है। तो इधर हमने P4 तक शो किया हुआ है कि ये फ्री है, उससे आगे वाले फ्री नहीं, ठीक है, ये ऑलरेडी मैप हुए हुए। तो 5 6 7 8 मैप हुए हुए हैं इस, और ये भी यही फिजिकल रजिस्टर में भी हमें पता चल रहा है कि X1 की जो वैल्यू होनी चाहिए थी, X1 P8 पे मैप्ड है, तो इधर वो वैल्यू पड़ी हुई है। ये एंगल ब्रैकेट से हम शो करें कि इसकी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, जो भी X1 के अंदर वैल्यू होनी चाहिए थी वो इधर पड़ी हुई है, जो X3 में होनी चाहिए थी वो P7 में है, जो X6 में होनी चाहिए थी वो P5 में है, और जो P6 में होनी चाहिए थी वो X7 में है। तो ये मैपिंग ऑलरेडी चल रही है। तो अब जो हमारा नया रीऑर्डर बफर है उसके अंदर हमें एक नई फील्ड चाहिए जो कि हम आपकी जो लास्ट आपकी फिजिकल रजिस्टर की मैपिंग थी वो,
ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा था एक काम हमने पिछले को फ्री करना है उसके लिए चाहिए, ये भी मैं चलाता हूँ तो आपको समझ आएगी। अच्छा, अब ये नई इंस्ट्रक्शन आना शुरू हुई। तो पहली इंस्ट्रक्शन आई आपकी कि आपने लोड करना है X1 में, तो अब जिस पे भी लिखवा रहा हूँ मैं उसकी नई मैपिंग डिफाइन करूँगा, तो X1 को मुझे मैप करना है, तो मैं फ्री लिस्ट से उठाऊँगा जो भी इस वक्त फ्री है, जो कि इस वक्त P0 फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है, ये P0 फ्री पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है X1 को P0 पे मैप कर दूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ आ गई कि X1 आया, तो मैंने कहा कि जो लास्ट मैपिंग थी ना इसकी, वो हम अपने पास सेव रखेंगे, ठीक है। तो ये LPRD जो है ना, वो लास्ट फिजिकल रजिस्टर की जो मैपिंग है ना, ये वो है। तो अब X1 क्योंकि नया मैप होने जा रहा है P0 पर, तो P8 इसकी लास्ट मैपिंग थी, इसको हम उठाकर रीऑर्डर बफर में लिखवा देंगे P8 को, और P0 को उठाकर हम कह देंगे कि ये इसकी करंट मैपिंग है, ठीक है। तो ये जो भी इसकी करंट फिजिकल रजिस्टर था जिसमें हम लिखवा रहे थे वो P0 है, और ये वो है जो इसका लास्ट लिखवाया जा रहा था। तो ये तो पहले भी होता था रीऑर्डर बफर में जिसपे हम लिखवा रहे हैं, क्योंकि हम जब से हमने कहा था कि हम आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन इधर करेंगे लेकिन कमिट बाद में करेंगे, तो हमने ये RD वाली फील्ड डाली हुई थी, अब हमने RD को PRD कह दिया क्योंकि फिजिकल रजिस्टर वाली, ठीक है। तो RD ये आर्किटेक्चरल रजिस्टर था, वो P0 पर मैप्ड है, लेकिन ये हमने कह दिया कि X1 जो है वो पहले P8 में मैप था, अब वो P0 पर मैप्ड है, ठीक है। यही काम किया, अब फ्री लिस्ट से हमारा P0 निकल गया बिकॉज P0 मैप हो गया है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आई हमारे पास ऐड की, X3 पर लिखवा रही थी, अगेन X3 की पुरानी वैल्यू जो थी वो हम इधर मूव कर देंगे और P7 इधर आ जाएगा। नेक्स्ट जो उसकी मैपिंग है X3 P1 पे मैप हो रहा है, ये हम X3 को इधर भी P1 पे मैप कर देंगे और इधर भी कह देंगे कि भाई ये P1 पे मैप हो गया, और साथ हम जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो रीऑर्डर बफर में डाल देंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बिट सेट हुई तो हम इनको इशू कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम इशू करने वाली स्टेज की बात ही कह रहे हैं, अभी हम ज़्यादा जो समझ वो तो हम आपने पहले टॉम ओसुलो से समझ लिए, अब हम आगे वाली स्टेज देख रहे हैं, इसमें बेसिकली फ्री लिस्ट कैसे मैनेज होगी और फ्री लिस्ट के अलावा कैसे इसको हम एलोकेट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। तो ये करने के बाद अब P1 भी फ्री नहीं रहा, तो इसको हमें क्रॉस कर देना चाहिए। अब अगली इंस्ट्रक्शन आई वो X6 पे लिखवा रही थी, तो X6 की पुरानी मैपिंग थी P5, तो अगेन हमने उसको उठाकर इधर ले आए और हमने कहा कि इसकी करंट मैपिंग जो है वो P3 हो गई है हर जगह, ठीक है। फिर इसी तरह उससे अगली इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ गई ऐड की, उसमें भी हम यही काम करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। सो लोड की इंस्ट्रक्शन उससे आगे X6 पे लिख पा रही है, उसको भी मैप करेंगे। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि X3 दो दफ़ा आया इधर, पहली दफ़ा हमने उसको मैप किया था P1 पे, दूसरी दफ़ा हमने उसको मैप किया P2 पे, ठीक है। जो पहली दफ़ा हमने इसको मैप किया था वो P1 पे किया था, दूसरी दफ़ा हमने इसको P2 पर ही किया वैसे, हाँ क्योंकि इधर P1, 3, 2, 4 लिखा हुआ था, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर वो नहीं है जो फ्री लिस्ट का जिसमें ऑर्डर था उसमें हम करें। इसी तरह X6 भी दो दफ़ा आया, पहली दफ़ा हमने उसको मैप किया P3 पे, अब अगली दफ़ा जब हम X6 को मैप करेंगे तो P3 के बजाय जो भी नेक्स्ट जो कि P4 बनती है उसके अंदर मैप कर देंगे इसको, ठीक है। सो P4 पर मैप कर दिया, पुरानी स्टोर करते गए और नया हमने उसकी मैपिंग डिफाइन कर दी, लास्ट P3 थी, करंट P4। तो ये तो है कि फिजिकल रजिस्टर्स इशू कैसे हम करेंगे, इशू ऐसे करेंगे फ्री लिस्ट के टॉप पे जो भी पड़ा है उसको हम उठाकर मैप कर देंगे, और जो हमने पिछली मैपिंग थी उसको उठाकर LPRD वाले सेक्शन ऑफ री ऑर्डर बफर में ले जाएंगे। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन चली और कम्प्लीट हुई किसी ऑर्डर में, तो कम्प्लीशन पे क्या होगा, कम्प्लीशन तो जो इन आउट ऑफ ऑर्डर कम्प्लीशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कमिट पे क्या हो, ठीक है। जैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन कमिट होगी तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन लिखवा रही थी X1 पे जिसको हमने मैप किया हुआ था P0 पर, लेकिन उसकी लास्ट वैल्यू थी P8, तो जब P0 वाला कमिट हो गया इसका मतलब है कि P8 को भी जिस जिसने इस्तेमाल करना था वो इससे ऊपर ही कहीं पर करा होगा, वो अब फ्री हो गया, तो हम P8 को वापस फ्री लिस्ट में डाल देंगे। इसके कमिट होने पर हम एक तो ये करेंगे कि जोन जोन इसका बंदा इसका इंतज़ार कर रहा था, ठीक है, ये तो पिछली तरह टॉमस उलो की तरह ही है कि
जो टैग को जो वैल्यू से रिप्लेस करने का है, कि जब ये कमिट, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी पूरी तो ये ब्रॉडकास्ट करेगी अपना रिजल्ट। तो फिजिकल रजिस्टर की प्रेजेंट की बिट जीरो थी, वो वन हो जाएगी, ठीक है। और इस जगह पर, दो जगहों पर पी जीरो पड़ा हुआ था, इसकी प्रेजेंट की बिट जीरो थी, ये भी वन हो जाएगी। ये तो आपका सिंपल एग्जीक्यूट होने वाली चीज़ होगी। लेकिन कमिट क्या करेगा? कमिट ये करेगा कि आपका ये जो पी एट है, इसका मतलब है कि ये अब फ्री हो गया है, इससे पिछली इंस्ट्रक्शन के आगे जितने भी इस्तेमाल करने वाली इंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट हो गई हैं, तो हम कमिट तक पहुँचे, क्योंकि कमिट इन ऑर्डर हो रहा है। तो अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन कमिट हो रही है तो इससे पीछे वाले जितनी भी पी एट को यूज़ करने वाले थे वो ख़त्म हो गए, इसका मतलब पी एट को फ्री कर दो और पी एट को फ्री लिस्ट में डाल दो, ठीक है। इसी तरह आप इससे अगली इंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो पी सेवन फ्री हो जाएगा, ठीक है। सो पी सेवन फ्री हो जाएगा, पी वन पे लिखवा रहे हैं, जिधर जिधर पी वन का इंतजार हो रहा था उनकी प्रेजेंट की बिट सेट हो जाएंगी, और साथ ही आपका पी सेवन की को इधर से पी, बेसिकली इसकी बिट को जीरो कर देंगे तो इसका मतलब फ्री हो गया, और इस जगह पर हम इसको अपडेट कर देंगे फ्री लिस्ट के, ठीक है। ओके, ये बेसिकली जो है नए आर्किटेक्चर्स में, फिर इसका फ़ायदा ये हो गया कि आपको मूवमेंट थोड़ी कम करनी पड़ी, यानी क्योंकि फिजिकल रजिस्टर फाइल एक ही है तो आपको डेटा को इधर उधर कॉपी नहीं करना पड़ा, सिर्फ आप अपनी मैपिंग को मैनेज करें, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर अब अक्सर यूज़ होता है, तो इसकी वजह से अगर आप असेंबली में कोड लिख रहे हैं तो आप जो असेंबली में कोड लिख रहे हैं वो ज़रूरी, आपने अगर उसके कोई तीन चार रजिस्टर यूज़ किए हुए हैं तो एक्चुअल में इसका ये मतलब नहीं है कि फिज़िकली भी वही वाला रजिस्टर यूज़ हो रहा है। तो ये वाला आप जो है आजकल नहीं, आपने अगर असेंबली में लिखा है कोड तो बहुत पॉसिबल है कि नीचे वो किसी और रजिस्टर पे मैप हुआ हुआ है और वो काम कर रहा है, ठीक है। तो तो हो सकता है कि हम कोड में अपनी तरफ से ऑप्टिमाइजेशन करें कि अच्छा यार हम रीड आफ्टर राइड नहीं लाते तो हम इस तरह करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि नीचे ऑलरेडी ये काम हुआ हुआ है हमारे लिए हार्डवेयर में। ओके, एक और काम जो हम इसके साथ करते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो रीऑर्डर बफर था हमारा, ये इसको हमने भी जो बनाया हुआ था, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक हिस्सा हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन विंडो और दूसरे को हम कह सकते हैं रीऑर्डर बफर, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन विंडो क्या है, उसमें वो वाली इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं कि जो डिकोड हो गई हैं, रीनेम हो गई हैं, मगर अभी तक एग्जीक्यूशन पे नहीं गई, ठीक है। जो रीऑर्डर बफर है उसका काम ये है कि उसने ये मेक श्योर करवाना है कि इन ऑर्डर कमिट हो चीज़ें, ठीक है। तो इनको अलहदा करने का फ़ायदा क्या है? इनको अलहदा करने का फ़ायदा ये है कि कमिट करते हुए आपके पास डिले आ सकता है किसी वजह से। फॉर एग्जांपल आपकी एक, आप आउट ऑफ ऑर्डर क्योंकि एग्जीक्यूट कर रहे थे तो एक कैश मिस हो गई, तो आप वो इंस्ट्रक्शन जब तक एग्जीक्यूट होकर उसका रिजल्ट आएगा तब तक आप इंतज़ार करें। लेकिन जो जो सी इंस्ट्रक्शन आपकी इस वाले इंस्ट्रक्शन विंडो में पड़ी थी उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें तो आप फटाफट उसको आगे एग्जीक्यूट करके फारिग कर सकते हैं। और इसमें मजीद, अब लेट्स है कि इधर एक इंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी लोड वर्ड की वजह से, ये कमिट नहीं हुई, तो इधर हो सकता है आपको 50 इंस्ट्रक्शन का इंतजार करना, अगली 50 भी आगे आ गई और वो भी आप वेट किए जा रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाली स्टेट को उसका इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जीक्यूट जो है वो अपनी जगह पर चलता रहे तो वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो हम रीऑर्डर बफर थोड़ा सा बड़ा बना लें, बिकॉज उसमें हमारे पास ये कैश मिस और उसकी वजह से हमें कमिट करने में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन अभी पेंडिंग हो सकती हैं। लेकिन जो हमारा इंस्ट्रक्शन विंडो है जिसने एक्चुअल में आगे चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाना है, जिसमें ये वाली जो हमने लास्ट टाइम बिट पड़ी थी यूज़ की, एग्जीक्यूट की, जो ये मेक श्योर कर रही है कि दोनों सोर्सेज अवेलेबल हैं तो बस इनको इशू कर दो, इसको शायद उतने बड़ी विंडो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको जैसी चीज़ अवेलेबल होगी इसको आगे इशू करता जाए। तो ये भी एक तरीका किया जाता है कि इन दोनों को इंस्ट्रक्शन विंडो ज़रा छोटी रख के रीऑर्डर बफर को ज़रा बड़ा कर लिया जाता है, क्योंकि रीऑर्डर बफर में आप ज़्यादा इंतज़ार करते। तो जब आपकी ये वाली स्लाइड खैर शो कर रही है कि कैसे आपके पास चलता है कि ये आपकी एक एक्टिव इस वक्त जो इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, ये जो शेडेड एरिया है जो कि आपने रिकॉर्ड की हुई है मगर कमिट नहीं की हुई, तो एक इंस्ट्रक्शन लेट से कमिट हुई है तो हम एक साइकिल आगे चले जाएंगे कि ये कमिट होगी और फिर अगली वाली को चलाना शुरू कर देंगे, तो रीऑर्डर बफर इस तरीके से काम। अच्छा, एक और चीज़ जो सुपर स्केलर्स में होती है, ठीक है। अच्छा, मैं टर्म सुपर स्केलर यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मैंने शायद
शुरू में उतना अच्छा इंट्रो नहीं दिया इसका, मे बी मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूं कि हम दो चार टर्म्स यूज़ करते हैं जो कि अगले चार पांच लेक्चर जितने भी रह गए उनमें हमारे लिए अच्छी होगी। तो एक कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं, जिस तरह एक है सुपर स्केलर, एक और टर्म है VLIW, एक और टर्म है वेक्टर। ये सारे प्रोसेसर्स की किस्म है, ये भी प्रोसेसर है, ठीक है। VLIW भी एक काइंड ऑफ प्रोसेसर है जो आज हम पढ़ेंगे, बाद में हम वेक्टर प्रोसेसर भी पढ़ेंगे, ठीक है। फ़र्क क्या है इनमें, ठीक है, फ़र्क ये है कि सुपर स्केलर वो प्रोसेसर है जिसमें हार्डवेयर के अंदर हम खुद ही ये ढूंढ लेते हैं कि कौन सी अगली इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। तो जिस तरह हमने रजिस्टर रीनेमिंग पढ़ी, आउट ऑफ ऑर्डर इशू, आउट ऑफ ऑर्डर कम्प्लीशन पढ़ा, तो इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हार्डवेयर खुद ही देखता है कि अगर 10 इंस्ट्रक्शन पढ़ी हैं तो ये अगर पिछले वाले पे डिपेंड नहीं कर रही तो इसको एग्जीक्यूट कराना इशू कर, तो ये कहलाता है सुपर स्केलर प्रोसेसर। तो इसके अंदर हमने जो भी अभी तक पढ़ी है, जिस तरह स्कोर बोर्ड और टॉमस उन लोगों दोनों इसी की एग्जाम्पल बनती है, और यूनिफाइड रजिस्टर फाइल जो भी देखी है वो भी इसी की। बाद में हम थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे VLIW में ये होता है कि हम एक बड़ी सी इंस्ट्रक्शन वर्ड बना देते हैं और उस पर खुद बता देते हैं कि यार ये चार काम तुम कर लो, बजाय इसके कि हार्डवेयर खुद फिगर आउट करे क्या करे, इसमें हम ही बता देते हैं कि तुम ये चार पांच काम, ठीक है। तो लेट से कि दो एडर लगे हुए हैं, तो आपके इधर इस वाले एडर पर किसको ऐड करना है, इस वाले पर किसको करना है, इस वाले मल्टीप्लायर पर किसको मल्टीप्लाई करना है, इस मेमोरी यूनिट पर क्या करना है, इस वाले मेमोरी, तो ये हम एक ही बड़े से इंस्ट्रक्शन वर्ड, वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड या इसको हम कहते हैं। वेक्टर में हम क्या कहते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन तो छोटी देते हैं, यानी जिस तरह हमने ऐड V1 V2 V3 कह दिया, लेकिन ये V1 जो होता है ये एक वैल्यू नहीं होती बल्कि बहुत सारी वैल्यूज होती हैं जिसको हम वैक्टर कहते हैं, ठीक है। एक तरह की वन डायमेंशनल एरे को हम वैक्टर कहते हैं। तो ये V1 V2 और V3 जो है ये बड़े बड़ी सी वन डायमेंशनल ले रहे हैं आप समझिए, जिनको हम आपस में ऐड करें, ठीक है। तो ये तीन चार बड़े किस्म के प्रोसेसर की टाइप्स हैं। ऑब्वियसली स्केलर वो होता है जो वेक्टर ना हो, क्योंकि हम इस वाले सुपर स्केलर में हम स्केलर से डील कर रहे हैं, हम ऐड जब कहते हैं तो हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं ना कि वैक्टर्स को, तो इसलिए ये स्केलर का लफ्ज़ वहाँ से है। सुपर स्केलर शायद उसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए, क्योंकि हम उसके अंदर बहुत सारा हमने हार्डवेयर आर्किटेक्चर देख लिया है कि वो डाला है हमने, तो उसको हम सुपर स्केलर कहते हैं। तो ये अभी तक जो हम पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में पढ़े वो सारे सुपर स्केलर से, आज हम मॉडर्न सुपर स्केलर पढ़े, कल हमने जो फ्राइडे को पढ़ा था वो हमने थोड़ा सा पिछली चीज़ें देखी थी, इंटेल के अक्सर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं वो इसी किस्म के आर्किटेक्चर में। तो आज हम मे बी थोड़ी देर तक हम पढ़ेंगे कि VLIW कैसे काम करता है, तो वो भी हम चीज़ें। ओके, तो सुपर स्केलर में जो नेक्स्ट चीज़ थी, हमें आइडिया तो हो गया यूनिफाइड रजिस्टर फाइल, मेन हमारे टॉपिक्स किसी हद तक इसके कवर हो गए, लेकिन जो छोटी छोटी कुछ फर्दर ऑप्टिमाइजेशन हैं, क्या है कि बाज़कात फिर हम ये भी चाह रहे होते हैं कि एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन इकट्ठे फैच कर लें, ठीक है, बजाय एक एक इंस्ट्रक्शन फैच करने के हम दो दो इंस्ट्रक्शन फैच करें ताकि हम थोड़ा सा तेज़ चल सकें। तो लेट्स है कि हमने दो इंस्ट्रक्शन फैच की, तो ये ऊपर ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, ये ऑप कोड हो गया डेस्टिनेशन सोर्स 1 सोर्स 2, और हम जो रीनेम टेबल है उसकी दो पोर्ट बना लें, इसको भी रीनेम करवा दें, इसको भी रीनेम करवा दें। रीनेम टेबल ने तो यही काम करना था कि उस पर मैप करना था कि जिस रजिस्टर पर हम लिखवा रहे हैं इस वाले रजिस्टर को किस पर मैप करना है, और जो इसके सोर्स हैं वो ऑलरेडी मैप हुए हैं, उनकी सिर्फ मैपिंग पिक करनी थी इसके अंदर से, ठीक है। तो इसको नए पे मैप करना था फ्री लिस्ट में से, और इनकी मैपिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी वो उठाने में। तो क्या है चलेगा? इसके अंदर एक मसला आ सकता है, मसला ये आ सकता है कि ये हो सकता है कि ये वाली जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन है इसका सोर्स जो हो वो वही हो जो इसकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो अगर हमने दोनों को पैरेलल में उठा लिया तो यहाँ से पुरानी मैपिंग चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये भी X2 पर लिखवा रहा था और ये X2 को पढ़ रहा था, X2 लेट से अभी P1 पे मैप हुआ हुआ था, और इस वाली इंस्ट्रक्शन के बाद X2 ने P2 पे मैप हो जाना था। तो जब ये दोनों पैरेलल में उठाएंगे तो इनको तो P1 मिलेगा, ये तो P2 पे मैपिंग तो अभी होनी थी, तो ये वाले को तो ये तो बाद वाली इंस्ट्रक्शन है,
इसको तो असूली तौर पर इसके बाद वाली मैपिंग मिलनी चाहिए। तो इसको करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इधर भी बाईपास पाथ एक बना देते हैं, क्या हम कहते हैं कि इन दोनों को पैरेलल में दे दो, मैप कर दो, और अगर ये वाली डेस्टिनेशन सोर्स से मैच कर गई, ठीक है, पिछली पहली इंस्ट्रक्शन की डेस्टिनेशन सोर्स वन से मैच कर गई या सोर्स टू से मैच कर गई, ठीक है, तो उस केस में ये जो रीनेम टेबल से निकला ये तो पुरानी वैल्यू होगी। तो बजाय इसको उठाने के, ये जो नई मैपिंग बनी है ये डेस्टिनेशन वाली, ठीक है, ये जो आपकी पी डेस्ट में जा रही है, ठीक है, आप बेसिकली इसी को यूज़ कर लो इन दोनों में, ठीक है, अगर ये वाला मैच हो जाता है, इनमें से जिससे भी मैच हो जाता है, किसी एक से होता है या दोनों से हो जाता है, तो अगर लेट्स दोनों सेम आ रहे थे दोनों से भी मैच कर सकता है, लेकिन जनरली डिफरेंट आ रहे होते हैं तो किसी एक से मैच करेगा, तो वो वाली मैपिंग जो है बजाय रीनेम टेबल से उठाने के, जो कि पुरानी वैल्यू है, अगर ये इन दोनों को जो अभी इशू किया था उससे मैच हो रही थी, तो वो जो नई मैपिंग आई है उसको पैरेलल में उठा लो। तो ये एक तरह का, जिस तरह बाईपासिंग हमने डाली थी, ये उसी किस्म का एक बाईपास पाथ इसमें डाल। एक और जो इशू आता है वो आता है मेमोरी का, जिसको हम काफ़ी देर से हमने कहा हुआ था कि अभी मेमोरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, बाद में देखेंगे। वो ये है कि आपका अगर लोड और स्टोर हो रहे हैं तो इवन इफ के वो रजिस्टर्स डिफरेंट बनते हैं, लेकिन उनके अंदर वैल्यू सेम हो सकती है जिस एड्रेस से हम रीड कह रहे हैं, ठीक है। तो अब मसला ये है कि अगर तो ये इंडिपेंडेंट था, यानी ये स्टोर कर रहा था एक्स वन को ऑन दिस एड्रेस, ठीक है, और ये लोड कर रहा है एक्स फोर से वापस रजिस्टर फाइल, तो अगर तो एक्स टू इज इक्वल टू एक्स फोर, तो अब मुझे असूली तौर पर इस स्टोर के बाद ही इस लोड को एग्जीक्यूट करना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है, फिर ये जो मर्जी एड्रेस पे लिखवा रहा है, ये कोई और एड्रेस है, आप बेशक हम लोड को पहले भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, और लोड को पहले एग्जीक्यूट करने का थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोसेसर को रोकना नहीं पड़ता, ठीक है, प्रोसेसर चलता रहता है, क्योंकि स्टोर जो है वो तो लिखवा रहा है एड्रेस डाटा दे दें तो मेमोरी सब सिस्टम बेशक कुछ साइकिल लेता रहे, प्रोसेसर आगे चलता रहता है, लेकिन जब आपने रीड करना है तो आपने जो वैल्यू रीड की है उसको इस्तेमाल भी करना होता है रजिस्टर फाइल में, उसको अपडेट करना होता है, तो लोड में प्रोसेसर को इंतजार करवाना पड़ता है, इसलिए हम लोड को बास का प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए कि भाई हम हमेशा इन ऑर्डर ही चीज़ों को चलाएं, लेकिन ये इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली लोड को हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो पहली जो स्कीम है कि आप इन ऑर्डर करें, वो ये है कि इनको प्रोग्राम ऑर्डर में ही हमेशा रखें, कि जब भी आपके पास लोड और स्टोर आए तो जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसमें चलें। तो लोड एंड स्टोर कैन नॉट लीव री ऑर्डर बफर फॉर एग्जीक्यूशन अंटिल ऑल प्रीवियस लोड्स एंड स्टोर हैव कमिटेड, ठीक है। दूसरा है कि कैन स्टिल एग्जीक्यूट, अच्छा खैर स्पेकुलेट फिर भी हम कर सकते हैं, और आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं बाकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आउट ऑफ ऑर्डर स्टिल हम उनको चला सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें फिर आपको मेमोरी की ऑर्डरिंग के लिए कोई मैकेनिज्म डालना पड़ेगा, जो कि लेकिन क्योंकि हम इस अप्रोच को ड्रॉप करने लगे हैं तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक है फिर कंजर्वेटिव तरीके से आउट ऑफ ऑर्डर करें, वो ये है कि स्प्लिट एग्जीक्यूशन ऑफ स्टोर इंस्ट्रक्शन इन टू टू फेजेस, एक एड्रेस कैलकुलेशन और एक डाटा राइट, ठीक है। एक ये है कि यहाँ पर हमने वैसे एक्स टू लिखा, हो सकता है कोई ऑफसेट भी ऐड हो रहा है, तो वो जो कैलकुलेशन है ऑफसेट ऐड होने की, उस वो एक फेज़ है और एक है डेटा राइट, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ पता चल जाए कि एक्स फोर और एक्स टू इक्वल नहीं है, तो फिर हम लोड को बेशक स्टोर से पहले एग्जीक्यूट कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो जो स्टेज वन है, यानी कि एड्रेस कैलकुलेशन के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि क्या मुझे किस पिछले स्टोर का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जब भी मेरे पास लोड की इंस्ट्रक्शन आएगी, तो इसमें ये एड्रेस कैलकुलेशन हुई जो भी एक्स फोर आ गया, इससे पीछे अगर चार पांच स्टोर चल रहे थे तो उन सब को हमने सेव किया हुआ है कि वो किस जगह पर लिखवा रहे हैं, उनका एड्रेस क्या है, तो आई नीड टू कंपेयर इट विद ऑल ऑफ देम, ठीक है, सबके साथ मैंने इसको कंपेयर करना है, और अगर किसी एक से ही मैच कर गया तो इसका मतलब है कि मुझे रुक जाना चाहिए, ठीक है, और क्योंकि पिछला एक स्टोर रहता है, जब तक वो स्टोर नहीं होगा उस वक्त तक मुझे इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है, या इंतज़ार करना चाहिए, या बास का हम ये भी कहते हैं कि वहाँ से ही उठा लो वैल्यू, तो वो भी बुरी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा,
इसका जो चेक है ये ऑब्वियसली ये बहुत सारे कंपैरेटर लग रहे हैं, ठीक है, अगर वो लेट से कि आपका 64 बिट का एड्रेस है तो ये 64 बिट के कंपैरेटर बहुत बड़े हो जाएंगे या 32 बिट के भी बासकत बड़े, तो हम इसमें बासकत ये भी कर सकते हैं कि पार्शियल कंजर्वेटिव चेक लगा सकते हैं कि आप इसको पूरा कंपेयर करने के लिए के बजाय बॉटम 12 बिट्स कंपेयर कर लें, ठीक है, तो उससे आपका कंपैरेटर छोटा हो जाएगा। उसका नुकसान कभी ये भी होगा कि आपका आगे की बिट सेम नहीं थी लेकिन पिछली बिट सेम आ गई तो आप उस वजह से रुक गए, लेकिन रुकने से हमारा कोई, यानी कि कभी कभार रुकने से हमें कोई इतना बड़ा कोई लॉस नहीं है, हमारा सिर्फ ये होगा कि कभी कभार लोड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती थी पहले स्टोर से लेकिन हमने नहीं की, हमने स्टोर एग्जीक्यूट होने के बाद की, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि उससे थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन चीज़ें चलती रहेंगी, चीज़ों के कोई वैल्यूज़ गलत नहीं होगी, कोई करप्ट नहीं होगी चीज़, तो इसलिए पार्शियल सम भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ये रिस्क ये मिप्स के जो R10 के वर्जन है उसमें ये चीज़ ये यूज़ हो रही है, ठीक है। और तीसरा है एड्रेस स्पेकुलेशन, ठीक है, तो एक तरीका ये था कि इन ऑर्डर रखें, एक था कि हम कंजर्वेटिव रखें कि जब तक वो पता चल जाता है रिजल्ट तब तक वेट करें, जब पता चल जाए अगर वो इक्वल नहीं है तो बेशक लोड को पहले चला लें। तीसरा है कि आप गैस करें कि भाई ये इक्वल नहीं है, ठीक है, तो लोड को स्टोर से पहले चला दें, ठीक है, लेकिन अगर बाद में पता चला कि इक्वल हैं तो उसके दरमियान वाली इंस्ट्रक्शंस को किल कर दें। लेकिन इसमें फिर इसका मतलब है कि आपको वो किल करने का मैकेनिज्म पूरा डालना पड़ेगा और उसकी आपको थोड़ा अगर देर से पता चला तो पेनल्टी ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है, तो और उसको जितने भी आपके अनकमिटेड लोड स्टोर्स हैं उनको आपको स्टोर करना पड़ेगा अपने पास प्रोग्राम ऑर्डर में ताकि आप किल कर सकें। तो ये अब अल्फा सीरीज़ का जो ये प्रोसेसर ऊपर नंबर लिखा हुआ है इसमें इस तरह था कि वो एग्जीक्यूट करता है लोड को स्टोर में, अगर बाद में पता चले तो वो उससे जो आगे वाली वो जो इंस्ट्रक्शन थी उनको स्क्वाश कर देता है, किल कर देता है, ठीक है, लेकिन उन जो जिसको स्क्वाश किया होता है वो उसको स्टोर वेट मार्क कर देता है, तो उसके अंदर ये प्रोविजन है कि आप मार्क कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, हार्डवेयर में, तो अगली दफ़ा जब वही वाली इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो उसको आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा बल्कि वो वेट करेगा उसको, ठीक है। तो ये आपका, और ऑब्वियसली फिर आपको ये एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करनी है और इन बिट्स को क्लियर करना भी पड़ेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद। अच्छा, तो एक चीज़ जो जिस तरह रजिस्टर फाइल में अभी जब हम लिखवा देते हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शन कमिट हो जाती है, उसी तरह जब हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं मेमोरी में तो वो भी कमिट हो जाती है और उसको अनडू करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको इन ऑर्डर कमिट हम चाहेंगे तो यही कि क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ये कहा हुआ कि हम हमेशा इन ऑर्डर कमिट करेंगे, ठीक है, तो इन ऑर्डर कमिट का मतलब है कि फिर जो स्टोर हैं उनको भी इन ऑर्डर कमिट करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए अमूमन एक बफर हम दरमियान में डाल देते हैं कि बजाय इसके कि एक स्टोर आ गया तो अब हम उससे पीछे की सारी कंप्लीट होने का इंतज़ार करें और फिर ही उसको कमिट करें, हम एक बफर दरमियान में रख देते हैं जिसमें हम जो अभी तक कमिट नहीं हुए हुए वो वाले स्टोर का एड्रेस और डाटा सेव किए रखते हैं और अगली इंस्ट्रक्शंस चलाए रखते हैं ये इस बफर में कमिट करके, ठीक है, तो आप करते क्या है कि जब भी आपका स्टोर का आया तो ये आपका स्पेकुलेटिव स्टोर का बफर है जिसमें आपने एड्रेस और डाटा सेव कर लिया और साथ वैलिड बता दिया और इसको बता दिया कि ये भी स्पेकुलेटिव है, ठीक है, तो आप जब भी आपने स्टोर किया तो इसको एस का मतलब स्पेकुलेटिव, वी का मतलब वैलिड, तो वैलिड और स्पेकुलेटिव मार्क करके आपने कह दिया कि ये हमने कर दिया। अभी ये असल में हमने कैश में नहीं लिखवाया, ठीक है, कैश में हम हमेशा इन ऑर्डर कमिट करेंगे जब तक इसके पीछे की इंस्ट्रक्शंस नहीं चल जाती, ठीक है, तो अब जब वाकई पीछे की इंस्ट्रक्शन चल जाए और ये स्टोर कमिट होना हो तो हम इसकी वैलिड बिट को ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, और डाटा को कैश में मूव कर देंगे, ठीक है, बेसिकली इसको दो स्टेजेस में भी कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, एक ये हो सकता है कि स्पेकुलेटिव बिट को ज़ीरो कर दें और फिर डाटा को बाद में मूव कर दें कैश में, और एक ये भी हो सकता है कि कैश में मूव कर दें और कैश में मूव कर दिया तो फिर इस बफर से इसको खाली कर दें, ठीक है। अगर स्टोर को अबॉर्ट करना है कि भाई स्टोर बाद में पता चला कि नहीं कोई इंस्ट्रक्शन किल करनी थी जो जिसमें यह स्टोर भी आ गया तो फिर हम वैलिड की बिट को ही ज़ीरो कर देंगे तो फिर स्पेकुलेटिव बिट की वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है, वैलिड बिट को क्लियर। अच्छा, अब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी डाटा कैश थी, यानी हमने जो जब भी स्टोर करना है असल में हमने मेमोरी में स्टोर करना था जिसको हमने शॉर्ट करने के लिए कहा था कि डाटा कैश में स्टोर करें,
लेकिन क्योंकि इन ऑर्डर कमिट करना है तो हमने एक तीसरी चीज़ डाल दी है कि हम उसको स्पेकुलेटिव बफर में लिखवा दें जब तक वो उसकी बारी नहीं आ जाती इन ऑर्डर कमिट करते हुए। तो अगर डेटा कैश में भी आपका सेम टैग जो है वो इधर भी मैच हो गया, कैश में भी किसी जगह पर और इस जगह भी मैच हो गया, तो कहाँ से उठाना चाहिए हमें डेटा को? अगर दोनों में मैच हो गया तो हमें स्पेकुलेटिव बफर से उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा रीसेंट डाटा पड़ा हुआ है जो कि अभी तक कैश में लिखवाया नहीं गया। तो जो जहाँ पर आखिरी लिखवाया हुआ था उस वैल्यू को, तो वही हमें वही से उठाना चाहिए, तो वो हमारे पास स्पेकुलेटिव बफर में पड़ा है। अगर इधर भी दो जगह पर आ गया कि ये वाला टैग भी जो था ये भी 10 लोकेशन पर लिखवा रहा था, ये भी 10 लोकेशन पर लिखवा रहा था, तब क्या करें? तब हमें ये करना चाहिए कि जो आखिरी है इनमें से, यानी अगर ये हम टॉप डाउन फिल कर रहे हैं तो जो मोस्ट रीसेंट है उस वाले को उठा लेना चाहिए, जो पुराना वाला है उसको नहीं उठाना चाहिए, तो जो भी मोस्ट रीसेंट है। ओके अब स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन में हम देखें तो हमने इस जगह पे आप थोड़ा सा ये स्टोर बफर भी शो करना शुरू कर, तो ये वही फिगर है जो हमने थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी, लेकिन अब इसमें ये स्टोर बफर भी है। क्या हमें ब्रांच स्केल उधर भी करना है इधर भी करना है? तो अब अगर हम इसको सम अप करें कि जो यूनिफाइड रजिस्टर फाइल में टोटल जो हमारा फ्लो के स्टेप्स बने हैं, किस किस चीज़ का ख्याल रखना है इस पूरे तनाजुर को जहन में रखते हुए जो हमने अभी डिस्कस किया है, तो ये टोटल जो हमारा इंस्ट्रक्शन फ्लो है वो इस तरीके से चलेगा। फेच जो है वो क्या करेगा, गेट इंस्ट्रक्शंस बिट्स फ्रॉम करंट गैसेट पीसी, और सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन फेच करें जो PC+4 है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम साथ ब्रांच टारगेट बफर लगाएंगे जो कि बता देगा कि अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन, वो गैस करेगा कि ब्रांच है कि नहीं और उसके हिसाब से करेगा। नेक्स्ट है डिकोड एंड रीनेम, तो अब हम फेच बफर से उठाएंगे, ठीक है, और फिर उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो हम एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, जो हमारा आर्किटेक्चरल रजिस्टर था उसको हमने फिजिकल रजिस्टर के ऊपर मैप करना है जो भी हमारी डेस्टिनेशन थी, ठीक है। फिर हमें इन ऑर्डर री ऑर्डर बफर में एंट्री चाहिए ताकि हम बाद में इन ऑर्डर कमिट कर सकें। फिर हमने इंस्ट्रक्शन इशू विंडो, जो कि हमने री ऑर्डर बफर को और इंस्ट्रक्शन इशू विंडो अलहदा से बना दी थी, इसके अंदर जगह बनाकर इसके अंदर हमने इंस्ट्रक्शन को इशू कर देना है जो कि अभी वेट कर रही होंगी एग्जीक्यूशन के लिए, और अगर लोड या स्टोर की इंस्ट्रक्शन है तो हम मेमोरी बफर के अंदर एंट्री करते हैं। ये हमारा काम होगा डिकोड या रीनेम का, ठीक है। अगर इनमें से कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम रुक जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा डिकोड बेसिकली रीनेम भी कर रहा है सोर्स एंड डेस्टिनेशन रजिस्टर्स दोनों को, सोर्सेस को फिजिक जो से जिस फिजिकल पे मैप होता था वो उधर से उठाएगा और डेस्टिनेशन को हमने नई मैपिंग देगा, ठीक है। क्या प्रेजेंट बिट सेट है ये चेक करेगा, अगर प्रेजेंट बिट सेट है तो फिर ये आगे चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंसर्ट इंस्ट्रक्शन इनटू इशू विंडो प्लस रीऑर्डर बफर प्लस मेमोरी बफर, ये इसका काम हो गया डिकोड। मेमोरी इंस्ट्रक्शन अगर आ रही है तो दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया, एड्रेस कैलकुलेशन और फिर आपका जो डाटा मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमने स्टोर की इंस्ट्रक्शन को दो हिस्सों में कर दिया, ठीक है। सो आप प्रोग्राम ऑर्डर में मेमोरी बफर में करेंगे, ये जो आपकी स्पेस है, ये जो हमने स्टोर वाला बफर डाला था उसके अंदर हम इन ऑर्डर ही चीज़ों को पुश करते जा रहे होंगे, ठीक है। तो स्टोर एड्रेस कैलकुल जो है वो स्टोर कहते हैं बेसिकली, वो तो एड्रेस कैलकुलेशन है। डेटा जो है वो भी हम स्टोर बफर में, तो स्टोर बफर में हमने टैग और डेटा दोनों रखा था ना, टैग में एड्रेस चला जाएगा, ठीक है, और जो डेटा है उसके अंदर डेटा चला जाएगा, तो ये आपकी टेम्पोरेरीली स्टोर हो जाएगी और हम स्पेकुलेटिव बिट वन कर देंगे उसको, तो आपका जो स्टोर एड्रेस एंड स्टोर डेटा, ये दो फेज बनाए थे, ये इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, एड्रेस कैलकुलेशन लेता और ये लगा, ठीक है। अच्छा, जो आपका स्टोर को कमिट हमने डिस्कस कर लिया कि वो हम इन ऑर्डर ही करेंगे जब कमिट पॉइंट आ जाएगा, तो जब आपका रीऑर्डर बफर में उसकी बारी आएगी तो हम इधर से उठाकर स्टोर बफर से उठाकर कैश में लिखवा देंगे इसको, है। अच्छा, लोड इंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे कि लोड का पहले तो आप देखेंगे जो भी आपका इफेक्टिव एड्रेस बनता है उसको
इस वाले बफर में चेक करेंगे जिस तरह अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, अगर इसमें मिल गया तो हम इधर से उठा लेंगे, अगर इसमें नहीं मिला तो फिर हम कैश से उठा लेंगे। ठीक है, तो अगर लोड की इंस्ट्रक्शन को की डिपेंडेंस हुई पिछली किसी स्टोर की इंस्ट्रक्शन पे तो हो सकता है कि उसको वेट करना पड़े मेमोरी बफर। अच्छा, ये तो डिकोड स्टेज पे था दोनों, मेमोरी इंस्ट्रक्शन में क्या हुआ और बाकी में क्या हुआ। इश्यू स्टेज जो डिकोड से अगली थी वो क्या है कि जब आपकी कंप्लीशन होती है कोई भी इंस्ट्रक्शन की तो वो ब्रॉडकास्ट करता है कि जी फलां, जो अगर टॉमसुलो चल रहा हो तो वो बताता है कि जी फलां इंस्ट्रक्शन नंबर ख़त्म हो गया, तो जो भी उस टैग पे वेट कर रहा है वो सारे वेकअप हो जाते हैं। और अगर यूनिफाइड रजिस्टर फाइल चल रही है तो उसमें वो बताता है कि भाई मैं फलां डेस्टिनेशन फिजिकल रजिस्टर पर डाटा आ गया, तो उस फिजिकल रजिस्टर का जो जो इंतज़ार कर रहा था वो सब वेकअप हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से कुछ जो आपके इंस्ट्रक्शंस जो कि पहले इंतज़ार कर रही थी कि जब तक डाटा नहीं आता तब तक वो नहीं चल सकती, तो वो रेडी हो जाती हैं और आप उनको इश्यू विंडो से उठाकर एग्जीक्यूट मोड में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस रेडी हो जाए। ठीक है, तो हम तो अभी पिछली दोनों एग्जाम्पल जो हमने वर्ल्ड एग्जाम्पल की थी उसमें हमने थॉमस फुलोब की भी और इसमें भी हमने उसमें तो अज्यूम किया कि अच्छा भाई ये सीक्वेंस में ये पहले चला दो फिर अगली चला दो, लेकिन बेसिकली आपको कोई मैकेनिज्म चाहिए कि अगर तीन चार इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं तो हम किसको चलें। ठीक है, तो उसके लिए अमूमन जो चीज़ डिफरेंट चीज़ों में सिलेक्ट करती है उसको हम हार्डवेयर में कहते हैं आर्बिटर, जो कि आर्बिटर उसका काम है आर्बिट्रेट करना कि किस वाली इंस्ट्रक्शन को पिक किया जाए। उसकी डिफरेंट पॉलिसीज हो सकती हैं, रैंडम, लोअर फर्स्ट, ओल्डेस्ट फर्स्ट, क्रिटिकल फर्स्ट, कि आपको जो सी इंस्ट्रक्शन ज़्यादा क्रिटिकल लगे, फॉर एग्जाम्पल आपको लोड पहले मिल गया तो आप लोड चला दें बजाय स्टोर के, रैंडम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते, ये आपके इशू के अंदर जो हमने ये वाला आर्बिटर वाली लॉजिक नहीं पड़ी, लेकिन आर्बिटर एक और पीस ऑफ हार्डवेयर होगा जो कि ये काम कर रहा होगा कि उनको इशू कर सके। ठीक है, जो इशू से फिर हम आगे एग्जीक्यूशन को भेज देते। ठीक है, और एग्जीक्यूट स्टेज जो है उसका काम सिंपल है, वो फिजिकल रजिस्टर्स को पढ़ती है जो भी उसे बताए गए और उसको कहते हैं, या अगर बाईपास पाथ से पढ़ती है अगर पिछले पर डिपेंडेंस थी और फिर इसको चला देती है, एग्जीक्यूट कर देती है, और उसका जो रिजल्ट है वो फिजिकल रजिस्टर या स्टोर बफर में लिखवा देती है। ठीक है, अगर एक्सेप्शन आ गई है तो एक्सेप्शन स्टेटस दे देगी और उसका रिजल्ट जो है आप वो बेसिकली रीऑर्डर बफर में साथ लिखवा देते हैं। जब एग्जीक्यूशन कम्प्लीट हो जाती है तो आप अपनी इंस्ट्रक्शन विंडो की वो वाली स्लॉट खाली कर देते हैं, रीऑर्डर बफर की खाली नहीं करते, रीऑर्डर बफर की हम कमिट के टाइम पे खाली करते हैं, जब पिछली कमिट हो जाएगी तो फिर हम इसको भी कमिट करके उसकी स्लॉट को खाली करते हैं। कमिट स्टेज क्या करती है, ये देखती है कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी है, जब कंप्लीट हो जाती हैं तो वो उससे अगले वाले को कर लेती है और उससे अगले एक एक करके कमिट करती जाती है इंस्ट्रक्शन को। अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन पे एक्सेप्शन आ गई हुई है, ठीक है, तो आप दरमियान में जितनी भी पार्शियल कैलकुलेशन हुई थी उनको ज़ाया कर देते हैं और आप पाइपलाइन को फ्लश कर देते हैं इससे आगे आगे। ठीक है, तो कमिट तक आपके रीऑर्डर बफर में जितना था आप उन दोनों पॉइंटर्स को इक्वल करते हैं राइट और रीड को, तो जो भी दरमियान वाली एंट्री है वो ऑटोमेटिकली ओवरराइट हो जाती है और एक्सेप्शन हैंडलर में चले जाते हैं। तो अगर एक्सेप्शन नहीं आई तो सिंपली आप जो भी आप फिजिकल रजिस्टर जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जो लास्ट राइटर था, जो LPDR जो भी था, वो LPRD जो था ना हमारा फील्ड, उस पर वो बता रही थी कि आखिरी दफ़ा इस पी की क्या मैपिंग थी, उसको आप फ्री कर देते हैं। ठीक है, रीऑर्डर बफर की स्लॉट को भी फ्री कर देते हैं और मेमोरी रीऑर्डर बफर स्लॉट को भी फ्री कर देते हैं अगर मेमोरी इंस्ट्रक्शन थी। ओके, सो यहाँ पर हमारा एक पार्ट ख़त्म हुआ जिसमें हम यूनिफाइड रजिस्टर फाइल को कर रहे थे। अभी आई गेस कि अजान नहीं हुई, दो तीन मिनट है, तो लेट्स टेक 10 मिनट्स ब्रेक और उसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है हमारा डीएलआई डब्ल्यू प्रोसेस। फिर मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।